अरे हमारी गाड़ी के आगे से हट, बदतमीज। अरे शीतल, तू तू यहाँ कैसे? अरे ज्योति, तू? शीतल कौन है? अरे तुषार, ये हमारे कॉलेज में पढ़ा करती थी हमारे साथ। अरे कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू यहाँ क्या कर रही है? वो एक्चुअली मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। तुम पति का वेट कर रही हो? तो तुम्हारा पति कैसे आ रहा होगा, बस से आ रहा है या रिक्शे से आ रहा है? अरे नहीं नहीं, वो तो बस कर ज्योति, मुझे पता है तेरा हस्बैंड तो ऑटो से आ रहा होगा, लेकिन फिर भी तू झूठ बोलेगी कि तेरा पति अपनी गाड़ी से आ रहा है। अरे भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी यार? पहले तो मेरी गाड़ी से हट, बिल्कुल नई गाड़ी है, अगर इस पे स्क्रैच आ गए ना तो तेरे पास भरपाई करने के भी पैसे नहीं है। अरे शीतल, तुम ये कैसी बात कर रही हो? खैर छोड़ो, ये गाड़ी तुम्हारी है? नाइस, कंग्रेचुलेशंस। अरे बस बस, अब मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि मैं तुझसे हाथ मिलाऊंगी। अपने हाथ पीछे रख, और तुझे पता है कितनी महंगी गाड़ी है ये गाड़ी किसने दिलाई है मुझे? मेरे बॉयफ्रेंड ने। अरे हाँ, तू तो मेरे बॉयफ्रेंड से मिली नहीं ना? मीट माय बॉयफ्रेंड तुषार। और तुझे पता है मेरे बॉयफ्रेंड ने जो गाड़ी दिलाई है कितनी महंगी है? पूरे 22 लाख रुपए की गाड़ी है ये। तूने कभी सपने में भी इतने पैसे देखे होंगे? नाइस, वैसे गाड़ी सच में तुम्हारी बहुत अच्छी है। तुम जैसे लोग ना ये गाड़ी सपने में ही देख सकते हो, क्योंकि रियल में लेने की ना तुम्हारी औकात नहीं है। और तुझे याद है शीतल, कॉलेज में कितनी फेमस थी ये? सारे लड़के इसके पीछे पड़े रहते थे, हम पर तो कोई ध्यान भी नहीं देता था। इसका ड्रेसिंग सेंस, इसकी आंखें, इसके बाल लड़कों को बहुत अच्छे लगते थे। और अब देख, गांव की गवार लग रही है। और क्या बोलती थी ये कॉलेज में कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, मुझे लड़के भी बहुत स्पेशल ट्रीट करेंगे। और अब देखो इसको कैसा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही कह रही है, कितना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है इसे। इसकी तो किस्मत ही खराब है, अब इसका पति पता नहीं किससे आ रहा होगा, बस से या रिक्शे से। बेचारी, इसको देख के तो मुझे दया आ रही है। अरे नहीं नहीं शीतल, तुम गलत समझ रही हो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहुत परवाह करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, वो बिल्कुल लाखों में एक है। हाँ हाँ, तेरा पति लाखों में क्यों, करोड़ों में एक होगा। अब देखो इसे कैसे वेट करा रहा है, इसे आंटी बना के यहाँ खड़ा किया हुआ है, पता नहीं कहाँ घूम रहा है कोई। और नहीं तो क्या रिद्धि, अब देखना मेरे बॉयफ्रेंड को ही देख ले, बेचारा मेरे लिए कितना करता है, मुझसे इतना प्यार करता है, मैं जो मांगती हूँ ना मुझे वो ला के दे देता है। इसकी तरह थोड़ी ना बहन जी बना के रखा हुआ है। और तुझे पता है मेरा बॉयफ्रेंड कितना अमीर है? अरे बात बताऊँ, प्यार करना ही काफी नहीं होता, बॉयफ्रेंड का अमीर होना भी जरूरी होता है, समझी? अरे शीतल ये क्या समझेगी, इसके पास तो पैसा ही नहीं है। अरे यार कैसी बात कर रही हो तुम, भला मैं क्यों प्यार की बात करूंगी? और प्यार की बात तो वो करता है जिसको प्यार नहीं मिलता। मेरे हस्बैंड तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा मेरी परवाह करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, और वो ही नहीं उनका सारा परिवार मेरी बहुत परवाह और मुझे बहुत प्यार करते हैं। बस बस रहने दे ज्योति, तुम जैसे गरीबों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ, जिनके पास पैसा नहीं होता ना वो यही ज्ञान देते हैं प्यार व्यार। और एक बात बताऊँ, प्यार कुछ होता नहीं है, प्यार ये होता है, प्यार ऐसा होता है, प्यार वैसा होता है, लेकिन इन रियलिटी ना पैसा ही सब कुछ होता है। अरे शीतल, इन्हें कैसे पता होगा, इनकी औकात है क्या हमारे सामने खड़े रहने की भी? अब हमें ही देख लो, हम एक दिन का 1 लाख रुपए कमाते हैं। ओह नाइस, अच्छा लगा जान के कि तुम इतने पैसे कमाते हो और तुम दोनों साथ में खुश भी हो। तो तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? तुम तो जानती हो शीतल कि कॉलेज में मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है, और मुझे कभी इन सब चीजों में इंटरेस्ट भी नहीं रहा है। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं शादी करूं और मेरा पति जो कि बहुत स्पेशल हो, जो हमेशा मुझे स्पेशल फील कराए, इसलिए मैंने तो शादी कर ली। अब तुम दोनों भी जल्दी शादी कर लो। प्लीज ज्योति, मुझे इससे शादी करनी होगी ना तो मैं कर लूंगी, तुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, समझी? और ज्योति ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना, ये फटीचा सी साड़ी, ये आंटियों वाला लुक, बिल्कुल बहन जी लग रही है तू इसमें। और इसे लगता है कि मैं इसको देख के शादी के लिए इंस्पायर हो जाऊंगी? ना भाई ना, इसको देख के तो मेरा बिल्कुल भी शादी करने का मन नहीं है, क्योंकि अगर शादी के बाद ऐसे रहना पड़ेगा ना, इससे बढ़िया तो मैं कुंवारी रह जाऊंगी। शीतल कैसी बात कर रही हो तुम, क्या प्रॉब्लम है भला इस साड़ी में, इतनी तो अच्छी लग रही है ये साड़ी। यार ज्योति, तूने ये साड़ी पहन के ना अपना पूरा लुक खराब कर दिया है, जो कॉलेज में लड़के थे ना अब वो रिग्रेट करेंगे कि हमने किससे प्यार किया था और हम किसे इम्पोर्टेंस दे रहे थे। अब वो भी क्या दिन थे, हम इससे चिढ़ते थे, अभी हमसे चिढ़ रही है। अरे तुम दोनों भी किससे बहस कर रही हो, हम कहाँ और ये कहाँ। अच्छा तो शीतल तुम मुझसे कॉलेज में चिढ़ा करती थी, और मैं क्या सोचती थी, शीतल तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन नहीं, तुम तो मुझसे जलती थी, और अच्छा ही हुआ कि आज मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई। और क्या कह रही थी तुम कि वो जो लड़के कॉलेज में मेरे पीछे घुमा करते थे, वो आज ये सोच के कि मैं किस हालत में हूँ रिग्रेट कर रहे होंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो रिग्रेट फील करे या ना फील करे,
क्योंकि मुझे उनसे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे सिर्फ अपने हस्बैंड से मतलब है, जो कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखते हैं, जो चीज मैं बोलती भी नहीं हूँ वो भी मेरे सामने ला के रख देते हैं। तो मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं। वैसे तेरा पति कमाता कितना होगा? तुझे देख के तो लगता है ज्यादा से ज्यादा 10,000, 15,000 या 20,000 कमाता होगा। तुझे पता है मेरा बॉयफ्रेंड कितना कमाता है, वो भी एक दिन का पूरे 1,00,000। और शीतल, मुझे तो लगता है इसका पति ना दिहाड़ी पर काम करता होगा, जहाँ पे इसको पर डे के 500 और 1,000 रुपए तो मिल ही जाते होंगे। जैसा कि मैंने तुझे भी बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड एक दिन का 1,00,000 रुपए कमाता है, तो इतनी महंगी गाड़ी लेनी तो बनती है। और तुझे पता है ऐसी बहुत गाड़ियां हमारे घर के बाहर खड़ी हुई हैं, पर तुझे बताने से क्या फायदा? तूने गाड़ी तो छोड़, कभी जिंदगी में बाइक भी नहीं देखी होगी। अच्छा, 30,00,000 रुपए महीने कमाने वाली की इतनी सस्ती सी गाड़ी, इतनी सस्ती गाड़ी लेके घूम रहे हो तुम दोनों। खैर छोड़ो, मुझे क्या, तुम दोनों आपस में बहुत खुश हो, मैं उसे देख के खुश हूँ। लेकिन सच एक बात बताऊं तो मुझे ना बुरा भी लग रहा है तुम दोनों के लिए कि तुम दोनों ने ना अपने ऊपर मेहनत नहीं की। अगर अपने ऊपर मेहनत कर लेती तो कुछ बन जाती, अपने पैसों पे ऐश कर रही होती, ना कि अपने बॉयफ्रेंड के। खैर छोड़ो, लेकिन एक बात का ना सच में बहुत बुरा लगा कि तुम मुझसे चिढ़ा करती थी। मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहा कि तुम तरक्की करो, तुम्हारी हेल्प करूं। ओ हेलो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी गाड़ी के बारे में कुछ बोलने की? तुम्हें पता भी है पूरे 22,00,000 रुपए की गाड़ी है, ये टॉप मॉडल है, कभी देखी भी है जिंदगी में? खुद तो अपने पति के पैसों पे उछल रही हो और हमें बता रही हो। एक्सक्यूज मी, पति है वो मेरे और उनके पैसों पे मेरा हक है, उनके परिवार पे, उनके रिश्तों पे, सब पे मेरा हक है। तुम ना इसके बॉयफ्रेंड हो तो चुप रहो, समझे? तुम्हें कोई हक नहीं है बोलने का। और तुम क्या कह रही थी तुम दोनों कि जो मैंने साड़ी पहनी है इसमें मैं बिल्कुल आंटी टाइप लग रही हूँ? क्यों, क्या बुराई है इस साड़ी में? साड़ी सूट पहनना तुम्हारे देश की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है ना। तुम भी तो इंडिया में रहती हो या फिर कहीं फॉरेन कंट्री में रहती हो? अगर फॉरेन में भी रहती ना तो तुम्हें इस बात की खबर होनी चाहिए कि फॉरेन के लोग हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को अपना रहे हैं। वो साड़ी सूट पहन रहे तो हम अपने देश की होकर अपनी साड़ी और सूट की इतनी इंसल्ट क्यों कर रहे हैं? तुम अपने आप को क्या समझती हो कि तुमने छोटे कपड़े पहन लिए, मॉडर्न कपड़े पहन लिए तो तुम्हारा स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया? तुम अपने आप को बहुत ज्यादा मॉडर्न समझती हो? गलत हो तुम दोनों। मॉडर्न होने का मतलब छोटे कपड़े पहनना या वेस्टर्न कपड़े पहन लेना नहीं होता। मॉडर्न होने का मतलब होता है अपने विचारों से मॉडर्न होना, लेकिन उसके साथ बात करने की तमीज नहीं खो देता इंसान। पढ़े लिख के तुमने सीखा क्या है कि किससे कैसे बात करते हैं, इस तरीके से कैसे इंसल्ट करी जाती है अपने दोस्त की, इतनी पुरानी मिली हुई दोस्त के साथ किस तरीके से बदतमीजी से सलूक किया जाता है। अगर ये सब कुछ मॉडर्न होना है ना तुम्हारी नजर में, तो तुम बहुत गलत तरीके से अपने आप को मॉडर्नाइज कर रही हो, समझी तुम? देख रही रिद्धि, महीने के 10,000-20,000 रुपए कमाने वाले अब हमें संस्कृति और सभ्यता के पाठ पढ़ाएंगे। अरे कम से कम पहले कपड़े तो अच्छा पहनना सीख ले, फिर हमें ज्ञान दियो, समझी? सभ्यता और संस्कृति बातें ना तू हमें मत बता, गांव की गवार। मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ तुम्हें या फिर किसी चीज को जस्टिफाई नहीं करना चाहती हूँ। मैंने ये साड़ी पहनी है अपनी मर्जी से, मुझे मेरे पति या उनके घर वालों ने फोर्स नहीं किया इसे पहनने के लिए, और मैं इसे पहनने में कम्फर्टेबल फील करती हूँ, एंड इट्स माई ओन चॉइस। तुम दोनों कोई नहीं होते हो कि मेरे कपड़ों पे कमेंट करो। अगर तुम्हें ज्यादा कमेंट करना है तुम पहले अपने आप को देखो, समझी? और वैसे भी ना मेरे जो परिवार वाले हैं वो यहाँ के बहुत ही नामी हैं, और हम लोगों को पता है किससे कैसे तमीज से बात की जाती है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं और कैसे रहा जाता है। लेकिन तुम दोनों को मैं ये क्यों ही बता रही हूँ, तुम दोनों को तो बिल्कुल भी किसी चीज की सेंस ही नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ पे बड़ा परिवार उन्हें बोला जाता है जो महीने के 20,000 या 40,000 रुपए कमाते हैं? चले शीतल, देख आ गया इसका पति दिहाड़ी मजदूरी करके, कितने कमाए, 200 या 500? देखो रिद्धि, बहुत हो गया तुम दोनों का। तुम दोनों मुझे सुना रही थी वो ठीक था, लेकिन मेरे पति की इंसल्ट मैं जरा से भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब ना तुम दोनों अपना मुंह बंद कर लो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम दोनों? ज्योति, कौन है ये जो तुमसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही है? ये दोनों मेरी कॉलेज फ्रेंड हुआ करती थी, कॉलेज में मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया इन दोनों को, समय के साथ कुछ ज्यादा ही बदल गई है और मॉडर्नाइजेशन इनके सर पे चढ़ के नाच रही है, अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को तो भूल ही गई है जैसे ये। अरे रिद्धि, मेरे को तो लगता है बिचारी की जिंदगी बर्बाद हो गई, खुद तो गंवार है ही, अपनी बीवी को भी गंवार बना दिया। और एक बात बता, तूने क्या सोच के इस आदमी से शादी करी है? इसकी तो शक्ल पे लिखा है कि एक नंबर का गंवार है। मुझे बात समझ नहीं आ रही, तेरे तो बहुत अच्छे सपने थे कॉलेज में, और आज तो तू घर की बहू बन के घूमती फिरती होगी, है ना, कि पापा जी मैं आपके लिए क्या बनाऊं और मम्मी जी मैं आपकी क्या सेवा करूं। बिचारी ने क्या क्या सपने देखे थे और घर की बहू बन के रह गई। जय हिंद मैडम। जय हिंद। एक सेकंड सर, क्या हो गया आपको? आप
इस गंवार को, इस बहन जी को मैम क्यों बोल रहे हैं? अरे ये यहाँ की आई एस ऑफिसर है, तुम बदतमीजी से बात नहीं कर सकती इनसे। क्या ये यहाँ की आई एस ऑफिसर है? हाँ बिल्कुल सही सुना तुम तीनों ने, आई एस ऑफिसर। मैं आई एस ऑफिसर ज्योति सिंह। क्या सोचती हो तुम दोनों कि अगर साड़ी सूट पहन लिया तो ये कुछ नहीं कर सकती जिंदगी में? क्यों, साड़ी सूट पहनने वाली कुछ नहीं कर सकती है क्या? अगर इंसान चाहे ना तो अपनी मेहनत और लगन से कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। मैंने भी बहुत मेहनत करी लाइफ में, पढ़ाई करी ताकि मैं ये मुकाम हासिल कर सकूं। लेकिन तुम दोनों को कहां समझ में आएगा कि मेहनत क्या होती है, लगन क्या होती है? तुम दोनों ने तो कभी मेहनत ही नहीं की, तुम दोनों को तो सिर्फ पैसों पे मरना आता था। और आज भी तुम दोनों बस यही कर रही हो, पैसे वाला लड़का पकड़ती हो और बस ऐश के सपने देखती रहती हो। काश तुम दोनों ने भी थोड़ी मेहनत कर ली होती अपने ऊपर, तो आज अपने पैरों पे खड़ी होती, अपने पैरों पे खड़ी होती, अपने पैसों पे ऐश कर रही होती, ना कि दूसरों के पैसों पे ऐसे पल रही होती। और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे हस्बैंड क्या करते होंगे? मेरे हस्बैंड यहाँ के नामी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तुम इनके पहनावे से इन्हें जज कर रही थी, क्या बोल रही थी कि ये मजदूरी करते होंगे, दिहाड़ी करते होंगे। अगर इन्हें सिंप्लिसिटी पसंद है, दैट डजंट मींस कि तुम दोनों इनको जज करोगी और इन पे कमेंट पास करोगी। बहुत ही डाउन टू अर्थ है ये, इनको ऐसे सिंपल रहना पसंद है। पैसे और गाड़ी तो हमारे पास भी बहुत है, जो तुम एक गाड़ी दिखा के धौंस दिखा रही हो ना, ऐसी कई गाड़ियां इनके पास और बड़े बड़े बंगलों भी हैं। लेकिन हम लोग ना तुम्हारी तरह ऐसे गिरे हुए नहीं है जो अपने पैसों का घमंड दिखाए, शो ऑफ करे और दूसरों को नीचा दिखाए। हम लोग ऐसे हैं ही नहीं। एक चीज ना बहुत बुरी लग रही है आज कि इतने सालों बाद मिले अपने कॉलेज के फ्रेंड से, लेकिन उनको जरा सी भी तमीज नहीं है बात करने की। तुम्हें इतना भी मैनर्स नहीं है कि अपने फ्रेंड को कैसे ट्रीट किया जाता है। आज भी ना तुम दोनों वैसे की वैसी हो, पहले भी बस पैसों पे मरा करती थी और आज भी पैसों पे ही मरती हो। काश पैसों से हटके तुमने कुछ सोच लिया होता, कभी सोच के तो देखो, बहुत अच्छा कर लोगी जिंदगी में और सच में जिंदगी के असली मायने समझ में आ जाएंगे तुम दोनों को। खैर छोड़ो, मुझे क्या, मेरा तो काम था तुम दोनों को समझाना। अगर मेरी बात समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना समझ में आई हो तो ऊपर वाले के हवाले सब। चले मैडम, चलो।